बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 6 है और हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस और सेम ऑर्डर, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और फिर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम हो। अगर ए 2x2 का है तो बी भी 2x2 का, यानी ए में दो रो दो कॉलम तो बी में भी दो रो दो कॉलम। देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल पहला पार्ट है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये एडजेक्टिव में आता है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जबकि प्रोडक्ट में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ये है, इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अंडर एडिशन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इन जनरल। इन जनरल का मतलब है कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि ए और बी में ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, वो कब पॉसिबल है? हो सकता है ए नल मैट्रिक्स हो तो बी कोई भी हो, तो फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, तो वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। लेकिन इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट्स मीन अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा इन जनरल। तो आप इसको प्रूव करते हैं, लेट क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट स्क्वायर का मतलब है दो दफा लिख लें, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। अब ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए बी, बी मल्टीप्लाई बाई ए बी ए और बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर। अब देखिए, मैंने कहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इट्स मीन अगर मैं बी ए की जगह ए बी लिख दूं तो वो क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर बी ए की जगह मैं ए भी लिखूंगा तो साथ क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। क्या मतलब, मैं इसकी जगह देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए की जगह क्या लिख दूं ए बी, क्या मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, तो मैं बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकता। अगर लिखूंगा तो साथ क्या आएगा, नॉट इक्वल। इसका मतलब है ये आप क्या आ गया, नॉट इक्वल, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने बी ए की जगह ए बी लिखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल है, लिहाजा हमारा इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल में। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन हल हो गया। दोबारा देखें, जो आपने प्रूव करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लेट किया, स्क्वायर मीन दो दफा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए बी, बी मल्टीप्लाई बी ए और बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। आप चेक करते हैं कि क्या मैं बी ए की जगह ए बी लिख सकता हूँ। ये देखें कि बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, लेकिन यहाँ साथ रीजन देंगे कि मैंने बी ए की जगह ए बी लिखा है और साथ नॉट इक्वल लगाया है, बिकॉज इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो 0.5 मार्क्स रीजन के होंगे, तो यहाँ आपने रीजन देनी है कि बी ए
की जगह मैंने अगर ए भी लिखा है तो साथ फिर क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल, इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा नॉट इक्वल, तो क्या प्रूव हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बी और ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में इक्वल नहीं होते। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है कि इन जनरल ये इसका दूसरा पार्ट वाई इन जनरल सेकंड पार्ट के आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन में क्या लेते हैं, लेट ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी स्क्वायर की वजह से दो दफे लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई बाई ए ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बी ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इस आगे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर मैं बी ए की जगह देखें बी ए और ए बी नॉट इक्वल है तो बी ए की जगह मैं अगर ए बी लिखूंगा तो इधर क्या आएगा नॉट इक्वल, इक्वल खत्म हो जाएगा नॉट इक्वल प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज रीजन क्या देंगे इन जनरल ए बी is not equal to b, reason ना मिले नहीं, तो ये प्रूव हो गया a minus b whole square is not equal to a square minus 2ab plus b square, ये आपका प्रूव। सेकंड पार्ट सेम जिस तरह फर्स्ट था दोनों एक जैसे, आप थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेट क्या करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बी ए बी माइनस बी ए और इधर क्या है आपके पास माइनस बी स्क्वायर, दोबारा देखें a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बी ए बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी ए और माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस बी स्क्वायर, आप देखें आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, अगर मैं बी एक जगह ए बी लिख दूं तो ये इक्वल खत्म हो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, क्योंकि हमारे पास इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दोबारा देखें क्या आपके पास a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई ए बी माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, अब जब भी आप बी ए की जगह ए बी लिखेंगे कहीं पर भी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, तो साथ नॉट इक्वल आएगा, यानी मैंने बी ए की जगह अगर ए बी लिखा तो इक्वल की जगह क्या आ जाएगा नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं होते, लिहाजा इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा नॉट इक्वल में, तो ये ऐसे कटेगा तो क्या प्रूव हो गया कि ए माइनस बी इंटू a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। तो इन तीनों में से एक पार्ट अक्सर पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 माइनस 2 माइनस 3 5 2 माइनस 1, फाइंड करना है फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, दो पार्ट, मैं पहला पार्ट करता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, सेकंड पार्ट जो है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए, वो आपने खुद करना है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ए और साथ ए का ट्रांसपोज, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में रोज में, तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम इंटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, इट्स मीन हमें ए ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। रोज को किस में बदल दिया है, कॉलम में, तो उसका ट्रांसपोज बन गया। आप ए पहले रखें और ए ट्रांसपोज बाद में रख के मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 और ए ट्रांसपोज की जगह 2 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1। ये क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और पहली एंट्री से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से और फोर्थ फोर्थ से। फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की पहली एंट्री फर्स्ट कॉलम की पहले 2 2 4 -1 मल्टीप्लाई -1 +1 3 3 9 0 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री 2 है, इधर फर्स्ट एंट्री 1 2 1 था 2, इधर सेकंड एंट्री -1 इधर 0 तो 0 जाएगा, इधर थर्ड एंट्री 3 इधर 3 4 था 12 और 0 मतलब 2 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आएगा -6। दरमियान में जब कॉलम चेंज कर स्पेस देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेस दी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर स्पेस और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपके पास क्या आएगा 2 3 6 -1 × 5 -5 3 × 2 6 + 0। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, पहली एंट्री 1 है इधर 2 है 2 1 था 2 0 × 1 0 4 3 12 और -2 × 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 0 × 0 0 4 4 16 -2 × -2 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × -3 -3 उसके बाद आपके पास क्या आएगा 0 × 5 0 और 4 × 2 8 और लास्ट में -2 × -1 + 2। आप क्या करेंगे, थर्ड रो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 2 - 6 5 × -1 - 5 2 × 3 6 -1 × 0 0। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 1 - 3 5 × 0 0 2 4 8 + 2। थर्ड रो थर्ड -3 × -3 9 5 × 5 25 2 × 2 4 और लास्ट में -1 × -1 + 1। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, 4 + 1 5 + 9 14 इधर 2 + 12 14 इधर आपके पास आएगा 6 6 से काट देगा क्या बचेगा आपके पास -5 उसके बाद 12 + 2 14 इधर आपके पास 16 + 1 17 + 4 21 इधर 8 + 2 10 - 3 7 6 6 से काट गया क्या बचा -5 8 + 2 10 - 3 7 और 4 + 1 5 + 25 30 और 39। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, सेकंड पार्ट में ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए, उसके लिए मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो रोज को किस में बदल दें, कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में, एक ही बात है। ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। पहले क्या रखेंगे ए और फिर ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दरमियान में स्पेस दें फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली तमाम रोज को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करें और उनको सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ए ट्रांसपोज पहले रखना है और ए बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपने खुद अभी करना है। तो इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।